नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 66 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 24 आदिवासी, 19 ओबीसी, 16 उच्च जातियों और 7 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बता दें कि इस बार का झारखंड चुनाव 2024 और 2019 से बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि आदिवासी और गैर आदिवासी के साथ साथ इस बार आदिवासी में ही दो यानी कि संथाल और कोल्हान इलाके में वर्चस्व की लड़ाई तय हो जाएगी। बीजेपी के रणनीतिकारों ने इस बार कोल्हान और संथाल दोनों के लिए अलग अलग प्लान बनाए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में हवा में हेमंता और जमीन पर हेमंत के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। कैसे, चलिए बता देते हैं। बीजेपी इस बार कोल्हान में कुछ खास करने जा रही है। हालांकि टिकट वितरण के बाद जो पार्टी है उसमें कुछ विरोधी स्वर तेज हुए हैं। बीजेपी के टिकट वितरण में कुछ कमियां भी देखने को मिली। इस बार टिकट बंटवारे में परिवारवादी रंग भी देखने को मिला है। कभी परिवारवाद का विरोध कर रही बीजेपी इस बार झारखंड में परिवार नाम का जप कर रही है। जेएमएम से हाल में ही आए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पिता पुत्र के साथ ही अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और रघुवर दास की पुत्रवधु को भी पार्टी में टिकट दिया गया है। बागमारा विधानसभा सीट से लगातार 3 बार जीतने वाले ढुलू महतो के धनबाद से सांसद बनने के बाद उनके बड़े भाई शत्रुघ्न महतो को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। एक टिकट के फॉर्मूले पर चलने वाली बीजेपी एक ही परिवार में दो दो टिकट बांट रही है और परिवार में ही टिकट के फॉर्मूले पर समर में उतरी हुई है। हिमंता बिस्वा शर्मा की बात हम क्यों कर रहे हैं, चलिए वो भी बता देते हैं। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा की सक्रियता और बीते एक दो महीने में भारी मंथन के बाद पार्टी ने सिर्फ 3 सीटिंग विधायकों को ही बदला है। आपको बता दें कि झारखंड में 2 फैक्टर आदिवासी और गैर आदिवासी शुरू हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ सालों से आदिवासी के भीतर भी 2 फैक्टर संथाल और कोल्हान का मुद्दा गर्म हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कोल्हान का किंग कौन बनेगा और संथाल का राजा कौन होगा। दरअसल झारखंड में बीजेपी के 2 चेहरे हिमंता बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी ने इस बार संथाल के साथ साथ कोल्हान को भी साधने की कोशिश की है। कोल्हान में आदिवासी समाज के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर मधु कोड़ा का नाम आता है, लेकिन इसी क्षेत्र से कोल्हान टाइगर से मशहूर संथाल समाज के नेता चंपई सोरेन भी हैं, जो अब बीजेपी में आ चुके हैं। इसी इलाके से राज्य के दूसरे और कद्दावर नेता अर्जुन मुंडा भी आते हैं। इसी एरिया से बीजेपी के एक और कद्दावर नेता नीलकंठ सिंह मुंडा भी आते हैं। कहा जाता है कि झारखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता कोल्हान से होकर जाता है। यही कारण है कि रघुवर दास छोड़कर सभी अब तक मुख्यमंत्री आदिवासी रहे हैं। ऐसे में कोल्हान में जिसकी किस्मत चमकेगी, हो सकता है झारखंड का सीएम वही बने। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।